मकान बना रहे हैं अथवा दुकान या कर रहे हैं कॉलोनी का निर्माण, चट्टान सी मजबूत सीमेंट ईट एवं ब्लॉक सहित फीवर ब्लॉक, वो भी एक से एक स्टाइल में किफायती दामों पर, अभी संपर्क करें बाबा ब्रिक्स गोकुलगांव रोड खंडवा, दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा के मसाया सोलर प्लांट के लिए जमीन अधिग्रहण में हेराफेरी करने की एक कहानी इस समय सामने आई है। इसको लेकर एक किसान ने बड़ा खुलासा भी किया है, उसने कैमरे पर सारी बात बताई। किसान का ये कहना है कि बिना किसी रजिस्ट्री के आदिवासी किसानों की जमीन पर कंपनी ने कब्जा कर रखा है, अवैध रूप से सैकड़ों एकड़ जमीन हथिया रखी है, ऐसा कंपनी के खिलाफ इस किसान का कहना है। किसानों को डरा धमका कर जमीन पर कब्जा जमा लिया है, उसकी 3 एकड़ जमीन पर कंपनी ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, जमीन के नक्शे में भी हेराफेरी की है। इधर कंपनी के अधिकारी भी आदिवासी किसानों की जमीन की रजिस्ट्री नहीं होना बता रहे हैं। ग्राम सतवाड़ा के किसान सुजीत पिता मुकेश पाटीदार ने गुरुवार को भावसिंहपुरा और कनवानी स्थित मसाया सोलर एनर्जी कंपनी की शिकायत कलेक्टर कार्यालय में की है। किसान सुजीत का कहना है कि मसाया सोलर प्लांट में उसकी 3 एकड़ जमीन चली गई है, कंपनी ने जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। यह जमीन उसकी दादी लक्ष्मीबाई के नाम पर है, हमारे पास जमीन का नक्शा भी है लेकिन इसे पटवारी और RI की मिली भगत से बदल दिया गया है। मेरी 3 एकड़ जमीन हथिया ली गई है, इसको लेकर उसने SDM और कलेक्टर कार्यालय में शिकायत भी की है लेकिन अभी तक किसी भी तरह की सुनवाई नहीं हुई है। आज उसने फिर से कलेक्टर कार्यालय में शिकायत कर अपनी जमीन वापस दिलवाने के लिए गुहार लगाई है। वहीं इस संबंध में मसाया सोलर प्लांट के लैंड इंचार्ज निर्मल श्रीवास्तव ने बताया कि आदिवासी किसान की जमीनों की रजिस्ट्री के लिए फाइल तैयार कर कलेक्टर कार्यालय में भेजी है, अनुमति मिलना बाकी है। किसान सुजीत पाटीदार की जमीन की बात है तो उसने SDM कोर्ट में केस लगा रखा है, उसकी जमीन की 3-4 बार नप्ती भी कराई गई है। वहीं इस संबंध में कई जो इस मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उनके अनुसार इस मामले में तहसील कार्यालय ने मसाया सोलर कंपनी को एक नोटिस भी जारी किया है कि उसके प्लांट पर कुछ रकबा ऐसा है जो सरकारी है, उस पर भी कंपनी का कब्जा है, उसे कब्जा मुक्त कराया जाए और उसको लेकर भी तहसीलदार ने नोटिस जारी किया है। वो नोटिस भी हमारे पास है और भी हमारे पास कई डॉक्यूमेंट है जो ये बताते हैं कि बिना आदिवासियों की जमीन को ट्रांसफर कराए सोलर प्लांट पर कार्य शुरू कर दिया गया है। अगर इस मामले में जो मसाया सोलर प्लांट के लैंड इंचार्ज निर्मल श्रीवास्तव हैं उनकी माने तो अभी बहुत सारी चीज़ें अंडर प्रोसेस हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर चीज़ें अंडर प्रोसेस हैं तो फिर सोलर प्लांट वहाँ पर कैसे एस्टेब्लिश कर लिया गया उस स्पॉट पर, उस जगह पर जहाँ की रजिस्ट्री अभी नहीं हुई है और ट्रांसफ़र नहीं हुआ, नामांतरण नहीं हुआ है, ऑनर नहीं है कंपनी, वहाँ पर भी प्लांट के उस हिस्से पर प्लांट की प्रोसेस कर दी गई है, यानी मशीनरी स्थापित कर दी गई है, सोलर प्लेट्स लगा दी गई हैं, कहीं ना कहीं ये सभी जांच के घेरे में है, ऐसा बहुत से लोगों का मानना है। बहरहाल खंडवा कलेक्टर को जांच के निर्देश मंत्री विजय शाह ने दिए हैं, ऐसा उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार के सवाल पर बोला है। उन्होंने कहा है कि कलेक्टर को इसके मौखिक निर्देश दिए हैं कि वह इस मामले में जांच करे और आदिवासी परिवारों के साथ वह बिल्कुल अन्याय नहीं होने देंगे। अगर कंपनी ने इस तरीके की हरकत की है तो निश्चित ही उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ऐसा मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह का कहना है। आइए अब जिस किसान ने इस तरह की शिकायत की है उसकी बात भी सुनवा देते हैं, मंत्री विजय शाह की बात भी आपको सुनवा देते हैं। आदिवासियों की कुछ जमीनें ले ली प्लांट के लिए तो आपको संज्ञान में आया, क्या मतलब? मेरी जानकारी में आई है और मैंने कलेक्टर महोदय को अभी मौखिक बताया कि इसकी आप जांच करें कि सत्य क्या है और कलेक्टर उसकी जांच कर रहे हैं। जी बताइए, आज कलेक्टर ऑफिस में क्या आवेदन और क्या समस्या लेके गए थे? ये मेरी जमीन है, सोलर प्लांट के अंदर उन्होंने अवैध कब्जे रूप से कब्जा करके रखा है। कहाँ पर है जमीन आपकी, पहले तो ये बताइए। भावसिंहपुरा के अंतर्गत आती है जमीन। वो जमीन अभी किसके नाम पर है? मेरी दादी के नाम पर है। क्या नाम है दादी का? लक्ष्मीबाई पिता शिवलाल। कब से जमीन उनके नाम पर? जमीन को समझो कि उनके पापा के नाम से इनके नाम पर कन्वर्ट हुई है। क्या समस्या है आपको? तो जो जमीन है ना, जो हमारी जमीन थी उसके ऊपर सोलर प्लांट ने अवैध तरीके से जो नक्शा परिवर्तन करके हमारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करके रखा है, जिसका हमने आवेदन कलेक्टर ऑफिस में भी दे रखा है, उसको भी कम से कम बहुत समय हो गया है, सिम हेल्पलाइन पर हमने कंप्लेंट कर चुके हैं, उसका भी हमें कोई भी परिणाम स्वरूप कुछ हमारे तो आपने शिकायत पटवारी या तहसीलदार से नहीं की? SDM द्वारा की हुई है। वहाँ पर हमने नक्शा उसको केस भी लगाया हुआ है, जिसका अभी तक हमको हमने तो हमें जमीन मिली है ना ही सोलर प्लांट वालों ने हमको जब भी जाते ना वो दरा धमका हमको भगा देते हैं। तो
बताइए आपकी जमीन पर किस प्रकार का कब्जा दर्ज किया था? हमारी जमीन पर जो है ना नक्शा दुष्टिकरण के नक्शा के हिसाब से जो पटवारी और आरआई के द्वारा गलत नक्शा दर्शा के हमारे जमीन पे कब्जा किया हुआ है, जबकि शासकीय रिकॉर्ड में हमारा नक्शा दर्शाया हुआ है वो मान्य होना चाहिए कि उस पर पटवारी आरआई सब का सिग्नेचर वगैरह सब मान्यता प्राप्त है वो। तो कितनी जमीन पे कब्जा करके रखा है? 3 एकड़ के आसपास होगी। सोलर प्लांट कौन सी कंपनी है उसका नाम? मसाया सोलर प्लांट है। और इसके साथ साथ हमारे जो खेत की आई साइड के जो किसान बंधु है ना जो आदिवासी भील समाज के, उनकी जमीन भी इन्होंने अवैध तरीके से कब्जा करके रखा है जिसकी हमें जानकारी मिल चुकी है। उनसे हमने बातचीत की, हमारी जैसे दिक्कत आ रही थी उन्होंने भी यही बताया हमें कि हमारी जमीन पर इन्होंने अवैध तरीके से कब्जा करके रखा हुआ है। वो जो जहाँ पर शासकीय जमीन थी जिस पर हमारे पशु वगैरह चराई के लिए रखी हुई जमीन थी उस पर भी इन्होंने कब्जा करके रखा है, जहाँ की हमें ना तो पशु चराने के लिए जगह मिल रही है तो ना ही जो आदिवासी जो की जमीन थी उनको उनको चारा वारा भूसा वूसा काटने के लिए जो मेरे वाले रखी जाती है ना उनको भी उनको काटने से मना करके रखा है। उनके अंदर प्लांट के अंदर उनको जाने की अनुमति भी, जबकि उनकी खुद की जमीन है। तो अब आप क्या चाहते सर? हम यही चाहते हैं जो हमारी जमीन है पूरी तरह से हमें प्राप्त की जाए। क्या नाम है आपका और कहाँ रहते हैं? मैं सुजीत पटेल, ग्राम सरवाड़ा सतवाड़ा पोस्ट बड़गांव वाले जिला खुले। जिसकी जमीन है कब्जा करके रखा है उनके आप कौन लगते हो? जिसकी जमीन है मेरी दादी है वो। अभी कभी आप अपनी जमीन के पास गए थे कुछ देखने के लिए कुछ करने के लिए? मैं जाता हूँ ना जब भी बोलने के हिसाब से, तो स्टरिंग और मसाया कंपनी जो है ना उनके कर्मचारी मुझे धमका डरा के भगा देते हैं। मकान बना रहे हैं अथवा दुकान या कर रहे हैं कॉलोनी का निर्माण, चट्टान सी मजबूत सीमेंट ईट एवन ब्लॉक सहित फीवर ब्लॉक वो भी एक से एक स्टाइल में किफायती दामों पर, अभी संपर्क करें बाबा ब्रिक्स गोकुल गांव रोड खंडवा, दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं।